फिटनेस, हेल्थ एंड ब्यूटी से रिलेटेड घरेलू नुस्खों की रियल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप हर तरह के नुस्खों की जानकारी पा सकें। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टेमिना और एनर्जी बढ़ाने के ऊपर। इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप स्टेमिना और एनर्जी को बढ़ा सकते हो। फ्रेंड्स, स्टेमिना हर व्यक्ति के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, चाहे वे एथलीट हो, खिलाड़ी हो या कोई भी अन्य नॉर्मल वर्क करता हो। स्टेमिना का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति बिना थके कोई भी काम आसानी से पूरा कर सकता हो। जिस व्यक्ति का स्टेमिना ज्यादा होता है वो किसी भी काम को बिना थके ज्यादा कर पाता है। लो स्टेमिना और एनर्जी होने का सबसे मुख्य कारण होता है अनियमित लाइफस्टाइल, जैसे अनियमित खानपान, कैफीन और शराब का अत्यधिक सेवन, नशीले पदार्थों का सेवन, नींद की कमी, अत्यधिक तनाव, डिप्रेशन और डिहाइड्रेशन। कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे सर्दी, जुकाम, एलर्जी, मोटापा, डायबिटीज और कैंसर के कारण भी स्टेमिना और एनर्जी में कमी आ जाती है। कोई भी शारीरिक गतिविधि करने के बाद थकावट होना और स्टेमिना और एनर्जी में कमी आना हेल्थ प्रक्रिया होती है। लेकिन यदि आप नॉर्मल लोगों के मुकाबले काफी जल्दी थक जाते हैं तो आप में निश्चित रूप से स्टेमिना और एनर्जी की कमी है। यदि आप में स्टेमिना की कमी है तो कुछ लाइफस्टाइल और कुछ घरेलू नुस्खों को अपनाकर आप अपना स्टेमिना और एनर्जी को बढ़ा सकते हो। नंबर वन, नारियल का तेल। नारियल का तेल भी स्टेमिना बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होता है। नारियल के तेल में MCTS नामक हेल्थी फैट्स पाए जाते हैं जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं और डायरेक्ट एनर्जी प्रदान करते हैं। साथ ही नारियल का तेल हृदय के लिए फायदेमंद होता है और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। यदि इसका उचित मात्रा में सेवन किया जाए तो ये पेट की चर्बी को कम करने में मदद करता है। रोज 3 से 4 चम्मच नारियल के तेल का सेवन करें। आप अपने भोजन पकाने में नॉर्मल ऑयल की जगह कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर 2, ग्रीन टी। 1 कप ग्रीन टी भी आपके स्टेमिना और एनर्जी लेवल को बढ़ा सकती है। इसमें पॉलीफिनोल होते हैं जो थकान और तनाव को कम करने में मदद करते हैं और अच्छी नींद को बढ़ावा देते हैं। सन 2005 में अमेरिकन फिजियोलॉजी सोसाइटी जर्नल में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रीन टी का नियमित सेवन करने से एक्सरसाइज परफॉर्मेंस की क्षमता 25% तक बढ़ जाती है। 1 कप पानी में 1 चम्मच ग्रीन टी डालकर उबालें। अब इसे 5 मिनट के लिए ठंडा होने दें और फिर छानकर सेवन करें। आप इसमें स्वाद अनुसार शहद भी मिला सकते हैं। आप ग्रीन टी के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो। नंबर 3, मैग्नेशियम युक्त पदार्थों का सेवन करें। शरीर में थोड़ी सी भी मैग्नेशियम की कमी होने पर हमारे स्टेमिना और एनर्जी लेवल पर बहुत बुरा असर पड़ता है। शरीर के ग्लूकोज को एनर्जी में बदलने के लिए मैग्नेशियम का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए जब भी आपका एनर्जी लेवल कम हो तो अपने भोजन में मैग्नेशियम युक्त पदार्थों को शामिल करें। पुरुषों के शरीर को रोज कम से कम 350 ग्राम और महिलाओं के शरीर को 300 ग्राम मैग्नेशियम की जरूरत होती है। हरे रंग की पत्तेदार सब्जियां, नट्स, फिश, सोयाबीन, केला, एवोकाडो और डार्क चॉकलेट में मैग्नेशियम भरपूर मात्रा में होता है। आप मैग्नेशियम के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो। नंबर 4, सक्रिय रहें। शारीरिक रूप से सक्रिय रहने से शरीर की एनर्जी प्रोडक्शन की क्षमता बढ़ती है। इसमें चलना या टहलना ज्यादा फायदेमंद होता है। यह फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ाने में मदद करता है और हृदय के आसपास की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। साथ ही इससे पाचन भी ठीक होता है,
जिससे शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालने में मदद मिलती है। यह सभी कारक अच्छे स्टेमिना और उच्च मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी होते हैं। रोज सुबह खुले एरिया में टहलें, यदि संभव हो तो घास पर नंगे पैर चलें। स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग भी स्टेमिना बढ़ाने के लिए लाभकारी है। नंबर 5, डायफ्रामिक ब्रीथिंग का अभ्यास करने से एनर्जी को रिस्टोर करने में काफी मदद मिलती है। जब हमारे शरीर और दिमाग को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है तो उस पर इसका शांतिकारी प्रभाव होता है, साथ ही इससे डिप्रेशन और तनाव से लड़ने में भी काफी मदद मिलती है। किसी आरामदायक जगह पर सीधे लेट जाएं, अपने हाथों को अपने पेट पर रखें, अब 2 सेकंड के लिए अपनी नाक से अंदर की तरफ एक लंबी गहरी सांस लें। अब इस सांस को धीरे धीरे अपने मुंह से 4 सेकंड में बाहर निकालें। इस अभ्यास को कम से कम 10 से 15 बार करें। रोज इस अभ्यास को 2 से 3 बार करने के बाद स्टेमिना और एनर्जी में काफी बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा आपका तनाव और टेंशन भी कम होगा, जिससे आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। नंबर 6, हाइड्रेटेड रहें। हमारे शरीर के 65 से 70% हिस्से में पानी होता है, इसीलिए शरीर में पानी की कमी होने पर स्टेमिना और एनर्जी लेवल पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखकर आप थकान को कम कर सकते हो, एनर्जी लेवल बढ़ा सकते हो। पानी मांसपेशियों की थकान को कम करके स्टेमिना बढ़ाने में मदद करता है। भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करें और कभी भी प्यासे ना रहें। इसके अलावा आप फलों और सब्जियों के जूस का सेवन भी कर सकते हो। सूप, मुरब्बा और शोरबा भी हमारे शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद करते हैं। साथ ही शराब और कैफीन का सेवन कम से कम करें, क्योंकि इनसे शरीर में पानी की कमी आती है। रोज भरपूर नींद लें, इससे आपके शरीर की हीलिंग प्रोसेस ठीक रहेगी। अपने भोजन से अत्यधिक तले भुने और एनर्जी पर बुरा असर डालने वाले पदार्थों जैसे समोसा, चिप्स, रिफाइंड फूड प्रोडक्ट्स, शुगर, कैफीन को बाहर निकाल दें। आयरन, प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से युक्त पदार्थों का सेवन खूब करें। शराब, धूम्रपान और ड्रग्स से दूर रहें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको एनर्जी और स्टेमिना बढ़ाना है तो आप हमारी बताई हुई इन बातों को फॉलो करें और फिर खुद गजब का रिजल्ट देखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।